मुहर्रम को लेकर इस बार क्या व्यवस्था रही? अभी मुहर्रम की जो काजी का रूट रहेगा उसको पुलिस और प्रशासन और जितने भी हमारे संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों ने विजिट किया। उसमें जहां पर भी हमें जो कमियां पाई गई उसमें संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। कहीं कहीं पे हमें जो नगर निगम के सहयोग से जहां पर सीवरेज लाइन्स हैं या जहां पे पानी इकट्ठा हो रखा है वहां पर हमें मरम्मत करवानी रहेगी। कहीं कहीं जहां तार नीचे झूल रहे हैं उनको टाइटन अप कराना है, पुल अप कराना रहेगा। बीएसएनएल की लाइन्स हैं उनको भी क्लियर कराना रहेगा। तो संबंधित सभी को निर्देशित किया गया है और प्रयास पुलिस और प्रशासन का ही रहेगा कि बिल्कुल निर्बाध तरीके से अच्छे से पूरी यात्रा हो और इसमें कार्य हो जाएगा। मैडम इसमें सभी के लिए अलग अलग टाइमलाइंस निर्धारित करी गई हैं। इसके लिए हम पुनः एक हम मीटिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, पुनः कंप्लायंस मीटिंग हम जल्दी ही शेड्यूल करेंगे और सभी विभागों से कंप्लायंस। मैडम दिल्ली गेट क्षेत्र में करीब 1.5 फुट खड्डा करीब दिल्ली गेट तक काफी दूर तक खुदा हुआ है, वो करीब 25 दिनों से स्थिति है, उसको भी देखा। दिल्ली गेट के बाहर इतना बड़ा खड्डा है 1.5-2 फुट का, काहे का खड्डा है ये? 25 दिन पहले कोई लैंड डली थी, गेट से लेकर गेट छोड़ा के आगे तक खड्डा कर रहा है। तो बंदे का नाम ही नहीं कभी कर रहा है, तो वैसे मलबा भर के ले जाते हैं गड्ढे का जो भी आता है। बरसात के बाद देखिए सर हालत, सुबह से 2 आदमी की तो टांग में मोच आ रही और 2 कम गिर गए। कोई खुदबुद्धि लेने वाला नहीं सर, वीआईपी रोड है ये, उसकी हालत भी हो गई। ये जो खड्डा है ये बारिश के कारण हो गया? ये बारिश के कारण एक्चुअली क्या होता है, बरसात का पानी आता है बहुत तेज स्पीड से बहता हुआ, आज से नहीं बरसों से आ रहा है। बरसों से जो रेत जो निकलती वो मतलब फिट तो रहती नहीं, कचरा उसको बांधे में ले जाती है सर, और खड्डा भरने का तो कुछ काम ही नहीं है। मैंने भर से ये इतनी गाड़ी अंदर जा रही है, 2 व्हीलर तो जा ही नहीं सकता। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शैंकी है। आज जो आप अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट में आए हैं किस उपलक्ष्य में आए हैं और किस तरह का क्या ज्ञापन दिया है आपने? आप सभी को ज्ञात होगा दिनांक 20/7/2023 को मिनी उर्स जो अजमेर में शुरू होने वाला है, उस सिलसिले में प्रशासन ने 2-3 बार दौरे जरूर किए क्षेत्र के, लेकिन काम के नाम पे कुछ भी आज तक नहीं हुआ है। उसी ज्वलंत समस्याओं के लिए, क्षेत्र की सारी समस्याओं को बताने के लिए हम यहाँ पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट साहब के पास आए, उनको हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन ने हमने क्या दिया मैं आपको बता देता हूँ। मुहर्रम उर्स जिसे मिनी उर्स भी कहा जाता है वह दिनांक 20/7/2023 से शुरू होगा। सारे देश से हजारों की संख्या में जायरीन अजमेर दरगाह शरीफ आते हैं। महोदय दरगाह के चारों ओर के पूरे क्षेत्र में अव्यवस्था का माहौल है। अभी 3 दिनों पहले ही अंदरकोट क्षेत्र में एक कार बिजली के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने की वजह से पूरी की पूरी कार जल के खाक हो गई। कल ही नया बाजार में शादी समारोह में आई हुई एक घोड़ी जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए थी वो भी करंट लगने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गई। हमारा आपसे निवेदन है कि पूरे दरगाह क्षेत्र में बिजली के तारों की टेपिंग करके उन्हें व्यवस्थित किया जाए ताकि अन्य किसी भी हादसे से बचा जा सके। बरसात का मौसम है, क्षेत्र की सभी नालियों एवं नालों को कचरा मुक्त किया जाए ताकि ओवरफ्लो होकर बाढ़ की स्थिति ना बने। पूरे क्षेत्र में से आवारा जानवरों की धरपकड़ करे जाना बहुत आवश्यक है। जहां भी अतिक्रमण है उन्हें भी हटाया जाए। इसके अलावा सड़कें एवं गलियों में जो टूट फूट है उसे भी ठीक करवाकर पेचवर्क करवाया जाए। बरसात के मौसम को देखते हुए विश्राम स्थली पर वाटरप्रूफ टेंट लगाए जाएं और बरसात के अंदर कोई बाढ़ जैसी स्थिति ना पैदा हो, अगर हो भी जाए तो NDRF की जो टीमें हैं उसे सुरक्षित साइड बाई रखा जाए। ये हमारा आप महोदय से निवेदन है। समय बहुत कम बचा है, 20 जुलाई से मुहर्रम का उर्स जो है मिनी उर्स चालू होने वाला है और अब 9 ही दिन बचे हैं। इन 9 दिन के अंदर आप इन कार्यों को करवा सकें तो सभी जायरनों की बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी और किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना से बचा जा सकेगा। भिखारियों की भी बहुत भयंकर समस्या है इस क्षेत्र में, भिखारी कभी कभी भीख मांगते मांगते जेब भी काट लेते हैं जायरनों की, उनके ऊपर भी अंकुश लगाना अति आवश्यक है। इन सब बातों की और समस्याओं की हमने जानकारी दी अतिरिक्त महोदय से और मैं अध्यक्ष। हाँ ये एक चीज़ रह गई
लापका गिरोह की भी बड़ी गंभीर समस्या है। कई बार दरगाह थाने ने उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करी है, लेकिन ये समस्या का समाधान हुआ नहीं है। हम आप महोदय से ये भी कहते हैं कि लापका गिरोह का भी कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालें, अच्छा रहेगा। अजमेर विकास मंडल से हमारी टीम आई है, हमारे सब सहयोगी हमारे साथ हैं। मैं अजमेर विकास मंडल का अध्यक्ष दिलीप भाई टोपिया।